पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया कि नारद जी जो हैं भोला राम के परिवार के पास जाते हैं, मिलते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जब वे कहते हैं, पूछते हैं कि कहीं उनका किसी स्त्री के साथ लगाव तो नहीं था, तो इस पर क्या है, उनकी पत्नी काफ़ी क्रोधित हो जाती है और तब वे वहाँ से नमस्कार कर के चले जा रहे होते हैं। इतने में क्या है, भोला राम की पत्नी उनसे विनती करती है कि यदि उनकी रुकी हुई पेंशन को अगर वे निकाल दें तो क्या है, कम से कम उनके बच्चे जो हैं भूखे तो नहीं मरेंगे। उनकी स्त्री की बात को सुनकर क्या है, भोला राम को दया आ जाती है और वे सोचते हैं ठीक है, वे ज़रूर कुछ करेंगे। यही सोचकर वे कहाँ जाते हैं, पेंशन अफसर दफ्तर जाते हैं। जब पेंशन ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बाबू काम कर रहे हैं। वे एक बाबू के पास जाते हैं और वहाँ पर वे भोला राम के पेंशन पेपर्स के बारे में पूछते हैं। तब बाबूजी कहते हैं हाँ, उन्होंने दरख्वास्त तो दी थी मगर उस पर वजन नहीं दिया था। वजन ना देने के कारण उनकी जो दरख्वास्त है वह इधर उधर उड़ गई। अब तब भोला राम, ये नारद जी कहते हैं यहाँ पर तो इतने सारे पेपर वेट हैं तो ये रख देते तो फिर तो पेपर जो है उनकी एप्लीकेशन जो है दरख्वास्त तो ना उड़ती। तब वे बाबूजी कहते हैं आप साधु संत हैं, आप इसके बारे में खैर आपको समझ में नहीं आएगा। और वे दिखा देते हैं दूसरे बाबूजी की ओर इशारा करके कहते हैं कि आप उन बाबूजी के पास जाइए। आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 62। नारद उस बाबू के पास गए। अब कहे अनुसार वे दूसरे बाबूजी के पास जाते हैं। उसने फिर तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास। इस प्रकार वे एक बाबूजी के पास से दूसरे बाबूजी के पास गए। तो पांचवे के पास जब गए और इस प्रकार नारद जी ने 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए। तो इस प्रकार दफ्तर में जितने भी थे, 20-25-30 जितने भी बाबूजी थे, सबके पास जाकर वे भोला राम के पेंशन पेपर्स के बारे में पूछते हैं और सबूत क्या कर रहे थे, आगे भेज रहे थे। तभी एक वहां पर चपरासी मिलता है और चपरासी ने तब कहा महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, भला आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। साल भर चक्कर काटिए, साल भर भी अगर बीत जाएगा तो क्या है, आपका जो काम है भोला राम के पेंशन के बारे में वह काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, तो आप कहाँ जाएं, आप सीधा कहाँ जाएं, बड़े साहब के पास जाइए, बड़े साहब से मिलिए तभी आपका कोई काम हो सकता है। उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा, यदि आप बड़े साहब को खुश कर देते हैं तो आपका काम अभी तुरंत हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। अब नारद क्या करते, बड़े साहब के कमरे पहुंचते हैं। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, तो बड़े साहब के कमरे के बाहर भी चपरासी है जो ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। वे क्या करते, उसे छेड़ते नहीं हैं और बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज़। वे भी सीधा कमरे में घुस जाते हैं, बड़े साहब के कमरे में घुस जाते हैं और वे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि वो बिना विजिटिंग कार्ड के घुस गया है। बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है कि ये कोई मंदिर है कि ऐसे ही घुस गए, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है, कहता है बाहर तो चपरासी सो रहा है इसलिए मैं बिना विजिटिंग कार्ड के ही आ गया। तब साहब ने रौब से पूछा क्या काम है, किस लिए आए हो। तब नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया, उनसे बोलते हैं भोला राम का जो पेंशन केस है उसके बारे में बतलाया। साहब बोले आप हैं बैरागी, आप कौन है, आप बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, तो दफ्तर का जो रीति रिवाज है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की, तो क्या है, भोला राम ने गलती की है इसीलिए उनकी पेंशन रुकी हुई है। भाई यह भी एक मंदिर है, तो बड़े साहब उन्हें समझाते हैं कि ये जो पेंशन का दफ्तर है ना, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। जिस प्रकार मंदिर में हम लोग दान पुण्य करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं,
भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो यहाँ पर बड़े साहब जो हैं वे भी कहते हैं कि उसकी जो दरख्वास्तें हैं, भोला राम की दरख्वास्तें सब इधर उधर उड़ रही है, उस पर वजन रखना है। नारद ने सोचा कि फिर वहाँ यहाँ वजन की समस्या, जहाँ भी जाते बस एक ही बात होती है, क्या ना वजन रखनी है। तो ये बात उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 200 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। तो क्या है, केस तो घूमता रहता है, इसीलिए वक्त लगता है। 200 बार की बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है फाइल। जो है इधर उधर कितने जगह घूमती है, उसके बाद तय होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने ही की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, तो वक्त तो लगता ही है पेंशन, मगर जल्दी भी हो सकती है। साहब रुके, नारद ने कहा, मगर क्या मतलब, किस प्रकार, कैसे जल्दी मिल सकती है? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। साहब क्या कहते हैं, वजन चाहिए, यदि वजन दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। आप समझे नहीं, फिर जो बड़े साहब है वे नारद से पूछा, आप समझे नहीं वजन की बात कर रहे हैं? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। तो ये वीणा भी अगर आप रख दें दरख्वास्तों के ऊपर तो भी काम चल जाएगा। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। तो यदि तुम वीणा देते हो तो क्या है, मैं ये वीणा मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबरा, जैसे ऐसी बात सुने तो नारद जी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, फिर संभल कर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए। देना तो नहीं चाहते थे, मगर वे सोचते हैं यदि भोला राम की पेंशन मिल जाए, इसीलिए वे क्या करते हैं, वीणा को दे देते हैं। अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए, ठीक है मैं वीणा देता हूँ, मगर उनकी जो पेंशन ऑर्डर है आप थोड़ा जल्दी निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ, जाओ जाकर क्या लाओ, भोला राम की जो केस की फाइल है उसे लेकर आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया, मतलब 100-150 एप्लीकेशन लिखा हुआ है, दरख्वास्तों की जो फाइल है चपरासी लेकर आता है। उसमें पेंशन के कागजात भी थे, तो पेपर्स भी सब उसी में थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? फिर भी निश्चित करने के लिए वे नारद जी से पूछते हैं, आपने क्या नाम बताया? नारद समझते हैं कि साहब शायद ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए वे जोर से बोले, जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, भोला राम। जैसा ही कहा, सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? तभी फाइल से क्या आवाज आती है कि भला मुझे कौन पुकार रहा है? पोस्टमैन है क्या? पोस्टमैन है मुझे पुकार रहा है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? वहीं बैठे बैठे पूछता है, फाइल के अंदर छिपा हुआ है, बोलता है, पूछता है, क्या पेंशन ऑर्डर आ गया? नारद चौंक उठते हैं, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। अब उन्हें बात समझ में आ गई कि भोला राम का जो जीव है वह पेंशन की जो फाइल है उसके अंदर छिपा हुआ है। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? पूछते हैं नारद जी, क्या तुम भोला राम के जीव हो? तब अंदर से आवाज आई, हाँ आवाज आई। नारद ने कहा, तब मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। तो मैं कौन हूँ? वे अपना परिचय देते हैं कि मैं नारद हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर फाइल से आवाज आती है, मुझे नहीं जाना, मेरे को क्या है, स्वर्ग नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, मैं तो यहीं पर अटका हुआ हूँ। जब तक मेरी पेंशन की फाइल ठीक नहीं होती, पेंशन नहीं निकलता, मैं इन दरख्वास्तों के बीच से नहीं निकलने वाला।
यही मेरा मन लगा है। तो मेरा मन क्या है, यहीं पर लगा हुआ है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ से अपना जो दरख्वास्त है, एप्लीकेशन सब रखा हुआ है, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो जब तक मुझे पेंशन नहीं मिलती, मेरे पेपर्स नहीं बनते, तब तक मैं इस फाइल के अंदर से बाहर नहीं निकलूँगा। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।